नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, होना भी चाहिए। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। इन्हीं दुआओं के साथ शुरुआत करते हैं हम हमेशा अपनी वीडियो की, है ना दोस्तों। आज जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ मैं, वो है सांस की बीमारी। आप देखना, थोड़ी भी उम्र ज़्यादा हुई तो अभी ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि सांस चढ़ने लग जाती है, सांस फूलने लग जाती है। सीढ़ियाँ थोड़ी भी चढ़ी, सांस फूलना शुरू हो गई। थोड़ा भी कोई काम किया और सांस फूलना शुरू, थोड़ा भी चले और सांस फूलना शुरू हो गई। सांस इस हद तक फूलने लग जाती है कि सांस लेना भारी हो जाता है। वैसे मैं जो भी आपको उपाय बताती हूँ, ये उपाय दोस्तों घरेलू उपचार है। यदि आपको प्रॉब्लम है, थोड़ी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है और डॉक्टर की सलाह लेनी है। जो भी उपाय डॉक्टर बताते हैं, जो भी टैबलेट्स डॉक्टर लिखते हैं, उन्हें आपको अवश्य ही लेना है। उन दवाइयों को लेते हुए आप इन उपायों को करके देखें। ये जो उपाय हैं, इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ घरेलू उपचार के ही चक्कर में ना रहें, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अवश्य ही ले, डॉक्टर के पास अवश्य ही पहले पहुँचे। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। और बेल बटन अवश्य ही दबाए दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आते रहे। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। ओके, तो दोस्तों ये उपाय उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें सांस की तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ पड़ती है, थोड़ा भी चलने में सांस फूलने लग जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लग जाती है, वे सारे ही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। आपको दोस्तों लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते ना तो आपको बिल्कुल हरे लेना है, ना ही आपको बिल्कुल पके हुए। आपने देखा होगा दोस्तों, पीपल के पत्ते जो पक जाते हैं वो पीले हो जाते हैं, हरे पत्ते बिल्कुल हरे रहते हैं। जो फ्रेश पत्ते होते हैं वो हरे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका समय बीतता है, ऐसे ऐसे वो पत्ते बिल्कुल पीले होकर के नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो आपको उन पत्तों को पसंद करना है जो पत्ते ना हरे हो ना पीले हो, मतलब कि हरे पत्ते कहीं कहीं पीले हो गए हों, आधे पके हुए, कुछ आधे हरे आधे पीले, इस टाइप के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को आपको ले लेना है और ले करके आपको धूप में सुखा लेना है। क्या करना है? पीपल के पत्ते जो आधे पीले आधे हरे हो, मतलब आधे पके हुए जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों को आपको ले लेना है, ले करके धोकर साफ करके आपको उसको धूप में सुखा लेना है। सूख जाने के बाद आपको इन पत्तों का पाउडर बना लेना है, बराबर। आधे पके हुए पीपल के पत्तों का आपको सुखा करके पाउडर बना करके रख लेना है अपने घर में। और इस पाउडर को आपको, जैसे आधी चम्मच आप पाउडर लेते हैं तो आधी चम्मच आप शहद लें और उसको बराबर उसमें मिक्स कर लें, मिक्स करके आपको खा लेना है। दिन में दो बार आप इस उपाय को करें, रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आएगा। सांस की जो तकलीफ है लगभग जड़ से चली जाएगी, बहुत ही आपको आराम मिलने लग जाएगा। बस आपको क्वांटिटी देखनी है, जैसे आप आधी चम्मच लेते हैं और शुरुआत आपको कम ही लेना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं लेना है। कोई भी चीज़ आधे चम्मच ले, आधी चम्मच आप शहद डालें, बराबर उसको मिक्स कर लें, मिक्स करके दिन में दो बार सुबह शाम आप उसको ले लें, खाना खाने के बाद ले लें और रिजल्ट आप देखेंगे दोस्तों बहुत बढ़िया आएगा। कोई भी सांस की बीमारी कैसी भी होगी, उसमें ये उपाय काफ़ी कारगर है करने के लायक। तो करके देखिए दोस्तों, यदि आप परेशान हैं सांस की बीमारी से तो करते रहें। और जो भी उपाय दोस्तों मैं आपको बताती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से सुनने के बाद ही आप उसे फॉलो करें, करने में कहीं कोई गलती ना करें, अन्यथा आप ही को पछताना पड़ेगा, ठीक है।
करते रहें दोस्तों। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आती हो तो पूछे अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।